हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां अपराधियों की नकेल कसने के लिए चला ऑपरेशन प्रहार। 171 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले पस्त करने के लिए और बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद में निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी कला निधि नथानी ने ऑपरेशन प्रहार चलाकर 171 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते 66 वांछित और 34 वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं धारा 151 के तहत 71 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। जनपद गाजियाबाद में कल देर शाम से एसपी सिटी और एसपीआरए के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं, वांछित हैं, वारंटी हैं, आवारा किस्म के लोग हैं, इनकी वृहद चेकिंग, इसके अलावा छापेमारी और रेड्स कंडक्ट कराई गई। और इसी क्रम में जनपद में कुल 66 वांछित और 34 वारंटी जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं 71 लोगों को शांति भंग में अंतर्गत 151 सीआरपीसी निरुद्ध किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान एक टॉप 10 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा अवैध असला भी बरामद हुआ है और 127 वाहन पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं। रात भर चली इस छापामारी के लिए जो है इनकी सराहना की गई है एसपी सिटी और एसपीआरए की, और इन्हें कहा गया है, आदेशित किया गया है कि भविष्य में भी इसी तरह अराजक तत्वों के बीच में अचानक सरप्राइज कंडक्ट रेड्स कंडक्ट करवाएं और ऑपरेशन प्रहार को जारी रखें।